आई वो बच्चे ही होंगे। मैं हूँ सुमन, सुमन के रसोई एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। जब भी घर में मिठाई रक्षाबंधन आ रहा है, घर में मिठाई बचे जो कि बच्चे भी ना खाएं, आप लोग को भी ना पसंद आए, तो ऐसी वीडियो लेके आई हूँ कि आप फटाफट बनाइए 5 मिनट में और बच्चे को भी खुश करिए और खुद भी खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। चलिए बनाते हैं मीठे पराठे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए मिठाई और बचे हुए आटे से। चलिए बनाते हैं ऐसी रेसिपी कि आपको भी पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। मुझे तो खास करके बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये बनाते हैं तो सब दौड़ के खाते हैं। चलिए इसको आज बनाते हैं, आप भी देखिएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहले बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप भी देखिए और यदि पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करिए कैसा बनाए मेरी रेसिपी। चलिए बनाते हैं इसको। इसका बनाएंगे हम बचे हुए मिठाई का। कुछ नहीं करना है इसमें, बचा हुआ आटा बच जाता है रोटी के बाद। मिठाई ये वाले बर्फी हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसका हम बनाएंगे मीठे पराठे। आप पूड़ी भी बना सकते हो, छान सकते हो, लेकिन घी का हम प्रयोग कम करेंगे तो इसलिए इसको मीठी रोटी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इसको। आप मिठाई के बजाय खोआ भी लेके बना सकते हैं, खोए का पूड़ी, लेकिन हम मीठा से बनाएंगे इसको। हमारे घर में जब भी आते हैं ऐसे मिठाई जो हमें पसंद नहीं हो, बच्चों को भी नहीं पसंद है, कोई खाता नहीं इसको, ऐसे बना देंगे तो सब खा जाते हैं, तो इसलिए आप भी बनाइए। चलिए देखते हैं इसको, मैंने अच्छे से मिक्स कर दूंगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, झटपट आप तुरंत बना के खा सकते हैं 5 मिनट में। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, या तो आप पिसा हुआ डाल दीजिए या तो खड़ी भी चीनी डाल दीजिए, वो भी गल जाती है, जो आपके पास मौजूद हो वही डाल दीजिए। मेरे पास पिसी हुई भी है तो मैं वही डाल देती हूँ। चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मिठाई है, इसमें चीनी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जब रोटी में भरूंगी ना तो फीका थोड़ा हो जाएगा, इसलिए चीनी अच्छे से डालेंगे तो खाने में भी मजा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा तैयार है, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, मिठाई में अपने आप में ही है। आप चाहो तो इलायची पाउडर ये सब डाल दीजिए, नहीं मैं तो सिंपली ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मिठाई का बना रही हूँ, मावा का बनाती तो उसमें इलायची पाउडर वगैरह डाल सकती थी। अब इसको मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हो गया है। मैंने 2 चम्मच खड़ी चीनी भी डाल दिया है क्योंकि बनाने पे फीका ना लगे, इसलिए। अब इसको ये तैयार हो गया हमारा रेडी। अब मैं गैस जला देती हूँ, तवा रख देती हूँ। चलिए बचे हुए आटे में आटा गूंथा था, बचा था, तो मैंने सोचा आपके लिए, मैं सोच रही थी कि आपके लिए बनाऊं तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। चलिए, आप आटा नहीं भी बचा है तो आप इसमें थोड़ा सा मोयन डाल के बनाइए तो और मुलायम हो जाएगा, जो कि बिना दांत वाले भी खा लेंगे। मैं बचा हुआ आटा था तो हमने आटा नहीं लगाया कि इसमें मोयन दे के फिर गूंथूं बनाऊं, इसी को बना के दिखाती हूँ आपके लिए। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसमें मैं 4 से 5 बन जाएंगे अच्छे से, इतना बड़ा बड़ा पेड़े बना लेंगे। हमने बना लिया है पेड़े, चकला बना लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से सूखा आटा लगा के ऐसे बढ़ा लूंगी। ये मुझे ज्यादा इजी लगता है इस तरीके से, हो गया। अब इसमें मैं जितना आपको भरना है ऐसे भर दिया। इसको आप यकीन मानिए, आप जब भी खाएंगे ना, जब भी बना के खाएंगे आप सोचेंगे कि हाँ वाकई में क्या चीज बना है, अब आपकी मिठाई फेंकी भी नहीं जाएगी,
ये बहुत ही हमें तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी हमारे पसंद है, बेटी भी खाती है, हम ही दो लोग माँ बेटे हैं खाने वाले, इनके डैडी का मन होगा तो ले लेंगे, नहीं तो हम ही दोनों लोग हैं। क्यों ना आपके लिए भी बताएं, आपको भी बच्चे पसंद करेंगे इस तरीके से। अब इसको सूखा आटा लगा के हल्का हाथ से बेलेंगे इस तरीके से, ऐसे। आप चाहो तो इतनी बड़ी बड़ी बना के छान भी सकते हो, तो घी तेल ज्यादा लगेगा इसलिए कम तेल में बनाना है। मैं इस तरीके से तवा पे रख दूंगा, ये हमने जला दिया है, गैस जला दिया है। इस तरीके से दूसरा भी बना लेती हूँ। सूखा आटा लगा के अच्छे से देखिए हमने अच्छे से भर दिया है। अब अच्छे से एक सार करके ये जगह अब इस तरीके से मिलाते हुए अब भर लेंगे। आप उसको रोटी बना के भी भर सकते हैं, इस तरीके से भी आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे। हल्के हाथ से ही बेलना है, नहीं तो निकल जाएगा, और ज्यादा लंबा नहीं करना है, ज्यादा गोल नहीं बनाना, थोड़ी मोटी रहेगी तभी अच्छी लगती है खाने में। देखिए इस तरीके से घी लगा दिया है, लगा पलट दिया। मैं भी सोचती हूँ कि जब भी कोई मिठाई बचे तो मैं ऐसे पराठे बनाऊँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है, यकीन मानिए आप भी बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। अच्छे से फूलता भी है। देखिए किस तरीके से निकलने लगा, देख के भी मन कर जाएगा खाने को। देखिए सीख गया है दोनों तरफ से अच्छे से। अब मैं इसको उतार के दूसरा भी सेक लेती हूँ इसी तरीके से। ना है ना लो करना है, मीडियम पे ही बनाना है, ज्यादा हाई कर देंगे तो जल जाएगा, पकेगा नहीं। उसी तरीके से एक मैंने बना लिया, दूसरा मैंने रख दिया बनाने के लिए। कितना भी तरीके से बनाओ आप, इसी तरीके से बनाएंगे तभी सही रहेगा। यदि आप कढ़ाई में बनाना चाहेंगे ना तो उसमें भी निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि चीनी है ना ऐसी, और जो कि वहां मेल्ट होती है गर्म होने के बाद, तो निकलता ही बाहर। कितना भी आराम से आप बेल लो, निकलेगा ही निकलेगा। देखिए कितना अच्छे से हो गया है, पक गया है चारों तरफ से। और थोड़ा इसको दबाते हुए इस तरीके से देखिए ये पराठा कितना टेस्टी और डिलीशियस दिख रहा है ना, आप भी बनाइए खाइए। देखिए कितना निकलता हुआ ऊपर से, मजा आ रहा देख के, फटाफट खाएं।